हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। मैं आजकल आपसे अपने काम ही शेयर करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे बहुत कबाड़ फैला हुआ था, ये सब मैं साफ़ करके, इधर देखिए बेबी सनरोज का एक प्लांट है, इसके तो मेरे पास 7 प्लांट हो गए हैं। ये चंपा को मैंने इधर रख दिया, ये शमी प्लांट, फिर न्यू पत्तियाँ आ गई, ये जूही है जिसकी प्रूनिंग मैंने कर दी, चंपा की भी मैंने कर दी है। देखिए नीम के कटिंग जो लगाई थी ये भी लग गई है, और इसमें ये जीनिया फ्लावरिंग कर रहे हैं। इधर मेरा जेट प्लांट है, ये देखिए ये चंपा, यहाँ पीपल, ये बरगद, ये लीची, आम, अमरूद, ये इनको मैं प्लास्टिक के थैले में रखती और इनके जो पॉट थे वो खाली करके मैं कुछ और प्लांट लगाने वाली हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मटका, मटके में मैंने बहुत सारा कचरा किचन वेस्ट डाल के कॉस्मोस लगाया था, आपने देखा होगा बहुत फ्लावरिंग किया। अब ये पूरा खाद बन चुका है, तो इस पर मैं कनेर की रिपोर्टिंग करूँगी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी गार्डन की झलक भी देख लीजिए, गार्डन फैलाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत समेटना पड़ता है, पर फैल ही जाता है काम करते करते। इधर देखिए कटिंग से लगे ये बोगनविला में फ्लावरिंग हो रही है, अभी मैं इसी में रहने दूंगी क्योंकि ये बड़ा पॉट है, बाल्टी है, अच्छे से इसकी जड़ें डेवलप हो जाएं तभी मैं शिफ्ट करूंगी। यहाँ मैंने पुदीना ग्रो किया है, तो ये देखिए इस फनेर के प्लांट को, बहुत हेल्दी सा प्लांट है, रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, कटिंग से ही लगा था। इसकी रिपोर्टिंग मैं मटके में करने वाली हूँ, मिट्टी पहले से ऑलरेडी है, ये यहाँ तक मैं इसकी निकाल दूँगी पूरी और उसमें रिपोर्ट कर दूँगी। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, मिट्टी का पॉट वैसे ही हमारे गमलों के लिए सही रहता है, तो इस प्लास्टिक वाले में लगा था। और एक चीज़ मैं दिखाऊँ, ये बैंगन मेरा फला है, वाइट बैंगन है शायद, देखिए तो मैं इसको रिपोर्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी रूट की भी थोड़ी थोड़ी ऐसे प्रूनिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मौसम बहुत अच्छा है। अब इसको मैं जाके मटके में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें लगा दिया, अब ये बहुत सुंदर से ग्रो करेगा, इसकी रूट प्रूनिंग हो गई। ये देखिए पत्तियाँ गंदी सी लग रही हैं क्योंकि किनारे रखा हुआ था, ठीक से मिस्टिंग हो नहीं पाती थी, और ये मैंने मिट्टी ऐसे भरा है, अब इसमें पानी अगर डालूँ तो मिट्टी नीचे जाएगी, फिर मैं और जैसे जैसे खाली होगा और मिट्टी डालते जाऊंगी। और पहले ही मैंने मटके के पानी को गीला कर लिया था, तो ये देखिए ये अब बहुत सुंदर से फ्लावरिंग करेगा। प्लस देखिए इतनी सारी मिट्टी मुझे मिल गई एक्स्ट्रा में, और ये एक पॉट तो मैंने फिल कर ही लिया है, और ये 1, 2, 3 बड़े पॉट मेरे खाली हो गए, इतने सारे छोटे पॉट खाली हो गए। मैं पॉट भी खाली करती जा रही हूँ, मिट्टियों का जुगाड़ भी करती जा रही हूँ, और प्लांट्स के रिपोर्टिंग भी करती जा रही हूँ। तो बस फ्रेंड, यही था मेरा आज का काम। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।